बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजोपर साहब। अब मैं कुंवर जी भाई बावलिया साहब से जो राजकोट के एमपी हैं गुजारिश करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स कहें। वधारे समय नहीं लो, मारी विनंती बेज मिनिटनो कार्यक्रम मारा भागे जी आभार व्यक्त करवा मांगु छू, बे ज मिनिटनो पूरो करीश। 14मा राष्ट्रीय सेमिनारना उपक्रमे आपणी वच्चे उपस्थित, तेमां खास करीने जेमणे आपणने सारा सौराष्ट्रने अने आपणने खूब लंबाणपूर्वक आवता दी। स्टेज पर कोई ना हो, प्लीज प्लीज बे मिनिट स्टेज पर कोई ना हो, हम एक छेलो भक्त छे अपना साहेब, बस बे मिनिट एक मिनिट जारी। जेमणे आपणने जे अमारे काम करवू जोईए एवी भारत सरकारनी विविध योजनाओ अने विस्तृत माहिती साथे आपणने विगतो आपी सेवा आदरणीय मौलाना साहेब, आजना कार्यक्रमना अध्यक्ष आदरणीय माननीय धारासभ्य पूंजादा साहेब, आपणा मेहमान बनीने आपणने खूब जुस्साभेर जे महाराष्ट्रनी अंदर लघुमती समाजनी जे सच्चर कमिटी छे, ए कमिटीना भागरूपे जे आ अमलवारी थई रही छे, विस्तृत आपणने सौने माहिती आपी सेवा माननीय महाराष्ट्र सरकारना माननीय मंत्री श्री आरिफ नसीम खान साहेब, अपना आदरणीय गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन भाई, एवज अमरा माननीय सांसद जमने आपने सबने जमने संदेशों आप मैंने गुजरात में क्यारेक क्यारेक आमंत्रण आपता रहो एवं सरस मजा संदेशा साथ एम जुस्सा फेर आपने सबने प्रोत्साहित रहा है। अमरा माननीय सांसद आदरणीय राजबब्बर साहेब, एवं अमरा बने माननीय सांसदों मुरब्बी विक्रम भाई, जगदीश भाई, एवं अमरा माननीय धारासभ्य आदरणीय इंद्रिल भाई, गायश्री भोला भाई, पूर्व मंत्री श्री दिनेश भाई परमार, जतसंसी भाई भट्टी, ब्रिजेश भाई, जेमने आखा कार्यक्रमों जेमने आपने सौने सात जिला वरिष्ठ आगेवानो युवान मित्रों भाइयों ने एकत्रित करने सरस मजा कार्यक्रम आयोजन कर अपना कन्वीनर भाई श्री रहीम भाई, गुलाबखान भाई एमनी साथे मंच पर उपस्थित अपना सौ वरिष्ठ आगेवानो अने आप सौ साराए सौराष्ट्रना साते जिल्लाओमांथी अने गुजरात भरमांथी आजना सेमिनारमां उपस्थित रहेला सौ आदरणीय महानुभाव वडीलो युवान मित्रों भाईओ बहनों पत्रकार मीडियाना सौ मित्रों ने हूँ राजकोट अमरा आप सौ आश्रय अमरा आंगणे आया छो એટલે હૃદયપૂર્વક હું આપ સૌને આવકારું છું અને સાથે સાથે આપ સૌનો હું આભાર માનું છું। હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આપ સૌ એ જ્યાંથી પાછું લઈને જાઓ છો એ તમારા ગામ અને વિસ્તાર સુધી પૂરેપૂરી પહોંચે અને આવતા દિવસમાં યુપીએ સરકાર લઘુમતી સમાજને આપણા માટે શું કરી રહ્યા છે એનો સંદેશો સારા એ સૌરાષ્ટ્રમાં અને ગુજરાતમાં પહોંચે એટલી જ વિનંતી સાથે ફરી આપ સૌનો આભાર। થેન્ક યુ।